अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। इसमें प्याज मैंने डाल दी है, प्याज को थोड़ा सा भून कर फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। अब मैंने इसमें एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का ऐड किया है। तो थोड़ा सा कम कर देती हूँ। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटरों को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे दूसरे मसाले। टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसमें शामिल करते हैं ये मसाले। ये 2 चम्मच सूखी मिर्च है और 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच हल्दी। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर हमारा देख सकते हैं अच्छी तरह से भून रहा है जी। 2-3 मिनट और भूनने के बाद फिर इसमें सब्जी शामिल करते हैं। ये मसाला हमारा देखें अच्छी तरह से भून गया, अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें ये आलू गोभी की सब्ज़ी डालने लगी। ये 2 किलो हमारे पास गोभी है और 1.5 किलो आलू थे जो मैंने कटिंग करके 2 अच्छे से वॉश करके रख ली थी। इसको अच्छे तरीके से हिलाते हैं, चम्मच हिलाते हैं इसमें। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसे 5-10 मिनट तक डाल के पका लेंगे।
पानी शामिल कर देते हैं ताकि ये अच्छे से आलू और गोभी जो है वो गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसको 10 मिनट के लिए ऐसे डाल के बनाती हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया और गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, जी। तो आज हमने आपके साथ आलू सब्जी की, आलू गोभी की सब्जी शेयर की है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।